मोदी जी हालांकि हमरा के ब्लॉक करके रखले वरना अपना फेसबुक पे हम उनका फेसबुक पे हम कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ब्लॉक करके रखे हैं। ये आज मनीष बहन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि मोदी जी दिखाइए दीजिए, इसी बात पे दिखाई दीजिए। मोदरदास मोदी NARANDRA नरेंद्र MO पॉपुलर नाउ, मतलब कि अभी तो भारत में वे पॉपुलर बड़न मोदी जी। हाँ ना यहाँ नहीं यहाँ ब्लॉक कर तब वो खोजिए ले सामने के हराम खोरवा सब, वो सबको कुछ पता ही नहीं रहता है कि मनीष कश्यप मोदी भक्त है। हम मोदी भक्त नहीं है, ना मोदी भक्त है ना राहुल गांधी। हम सब हम अभी 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 कमेंट मेरा ऑन कर दे सिर्फ मोदी जी, आज एक कमेंट करेंगे टॉप पे जाएगा कि मोदी जी मनीष भैया को ब्लॉक करके रखे हैं अपने फेसबुक पर से। ये कमेंट देख तो सकते हैं कहीं पर, लेकिन पेज में खाली देख सकते हैं। अच्छा, अकाउंट में तो वो भी नहीं, अकाउंट में ब्लॉक करके रखे और पेज में इनका कमेंट सेक्शन ब्लॉक करके रखे हैं। इस वक्त हम लोग गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में अभी मनीष भैया का आगमन हुआ है। आगमन के साथ बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है और कुछ हमारे साथ गायक हैं जो मनीष भैया के बारे में बहुत तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन एक गायक होने के बाद वो इस चीज़ को अपने गायकी के थ्रू पेश करना चाहते हैं। तो अभी मनीष भैया हमारे सामने एक बार दिखाई है। मनीष भैया को बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सुबह से काम करते करते और बिहार की सच्चाई दिखाते अभी हमारे साथ यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। मनीष भैया, गोपालगंज आप आए थे, यहाँ के लोगों का प्यार जैसे आपको दिखा, आप आए थे एक आवाज़ उठाने के लिए, वो तो वीडियो लोगों ने देखा ही होगा। एक ऐसे दिव्यांग इंसान थे जो कि पैरा ओलंपिक्स में अच्छा नाम कर सकते हैं, उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाने के लिए मनीष भैया अभी आए थे यहाँ पे। कैसा लगा, गोपालगंज का प्यार कैसा मिल रहा है आपको? आप तो बहुत बार आ चुके होंगे और कैसा मिलता है? गोपालगंज अलग थोड़े बैठे, हमारे बगले में घर रहा गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण के बॉर्डर सब एक दूसरे से मिलत रहला, तो हम गोपालगंज से अलग थोड़े बनी। हम तो गोपालगंज के हैं, यहाँ से मैक्सिमम कितना 40-35 किलोमीटर दूर हमारे घर बटे, बस खालिया नदिया वो पार, बस जिला बांट दल गए कुछ डाकू लोग के फायदा भइल, कबो पश्चिमी चंपारण कबो पूर्वी चंपारण कबो गोपालगंज आ कबो कबो यूपी टॉप जाए लोग। लेकिन गोपालगंज जब भी आवे, गोपालगंज ना पूरा बिहार घूमत रहे, हम खाली मोदी जी नियर कैसे कह दी हम कि आसाम का आसाम से मेरा ब्लड रिलेशन है, जौना राज्य में जालन तो ना से ब्लड रिलेशन बना ले वालन मोदी जी, तो हम तो वैसा कुछ बोले ना पूरा बिहार अपन हो, चूँकि बिहार में हमने के। अच्छा, मोदी जी से आप बहुत नाराज रहते हैं, मोदी जी पे पूरा बरसते रहते हैं, काहे? अच्छा काम करता रहन तो खुश रहो। ना हम तो खुश नहीं है, आपसे हम पूछ रहे हैं। अगर वो अच्छा काम करता रहन तो तू खुश रहो, हमरा नज़र में अच्छा काम वो नहीं करत, ऐसे भी नहीं करत कि सरकारी कंपनी बिकता तो हमरा दर्द होला ये चीज़ बटे, तो हम सवाल करें हम नाराज ना रहनी सवाल करें। मोदी जी हालांकि हमरा के ब्लॉक करके रखले वरना अपना फेसबुक पे हम उनका फेसबुक पे हम कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ब्लॉक करके रखे हैं। ये आज मनीष भैया ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि मोदी जी दिखाइए दीजिए, इसी बात पे दिखाई दीजिए, चलिए दिखाते। ये देखिए आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि मनीष भैया को मोदी जी ने ब्लॉक करके रखा है। दामोदरदास मोदी NARANDRA नरेंद्र MO पॉपुलर नाउ, मतलब कि अभी तो भारत में वे पॉपुलर बड़न मोदी जी। ना यहाँ नहीं यहाँ ब्लॉक कर तब वो खोजिए ले सामने के, सर्च करने पे आ भी नहीं रहा है। सब तो फेक अकाउंट लग रहा है उनका बना हुआ, ओरिजिनल अकाउंट नहीं आ रहा है। देख लिया नहीं आ रहा है में भी सर्च मार लीजिए, आ रहे हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी आ रहा है, मोदी जी नहीं आ रहे, देख लीजिए नहीं आएंगे। अब चलते हैं, ये तो हो गया अकाउंट। हाँ, ये हो गया अकाउंट मेरा, जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट है जो मेरा जी जी, जिस पे 2 लाख के आसपास फॉलोअर है जी, ये मेरा अकाउंट हो गया। अब पेज देखिए, ये पेज है मेरा, पेज से भी नरेंद्र मोदी जी को सर्च मार ले रहा है, आ गए जी। इस पर कमेंट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लीजिए, लाइक का आ रहा है, शेयर का आ रहा है, कमेंट का आ रहा है? नहीं। देखिए स्माइल वाला फोटो, ये क्या जरूरत था बिहार के पत्रकार को ब्लॉक करके रखने के लिए? ये महाराज मोदी जी आप तो नाम हंसा दिए। तब कौन कहता है सब हराम खोरवा सब, वो सबको कुछ पता ही नहीं रहता है कि मनीष कश्यप मोदी भक्त है। हम मोदी भक्त नहीं है, ना मोदी भक्त है ना राहुल गांधी भक्त है, हम देश भक्त हैं।
हम सब हम अभी 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 कमेंट मेरा ऑन कर दे सिर्फ मोदी जी, आज एक वो कमेंट करेंगे टॉप पे जाएगा, उनका सारा नेता लोग कमेंट करें, सारा जितना आंतरी मंत्री संतरी लोग हैं सब लोग कमेंट करें, हमू कमेंट करेंगे, वो लोग के कमेंट के एक घंटा बाद कमेंट करेंगे, वो टॉप पे नहीं गया तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं। अग्निवीर योजना और भी बहुत सारी चीज़ों पे जो है मैंने सवाल उवाल किया था, बोला मनीष कश्यप की छवि बनी हुई है कि बीजेपी भक्त नरेंद्र मोदी भक्त बोला जाता है और कड़वी सच्चाई है भैया ये। वो जो अनपढ़ गंवार है सब वो सब बोलता है, जो जानता है मुझे वो जानता है कि हम जो जो भी कोई गलती करेगा उससे हम सवाल करते हैं। इतना सबूत आपको मिल गया है कि मोदी जी मनीष भैया को ब्लॉक करके रखे हैं अपने फेसबुक पर से, ये कमेंट देख तो सकते हैं कहीं पर लेकिन पेज में खाली देख सकते हैं। अच्छा। अकाउंट में तो वो भी नहीं, अकाउंट में ब्लॉक करके रखे हैं और पेज में इनका कमेंट सेक्शन ब्लॉक करके रखे हैं। हाँ, पेज में कमेंट सेक्शन, अकाउंट में टोटल बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर मनीष भैया कर रहे हैं। और दिल का मतलब कि जो लोग कहते हैं ना, इसके बावजूद भी इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, अनपढ़ लोग आरोप लगाते रहते हैं कि मनीष भैया मोदी भक्त हैं, बीजेपी भक्त हैं, गोदी मीडिया ऐसे करके कहा जाता है। तो गोदी मीडिया मुझे कोई नहीं कहता है, गोदी मीडिया नहीं कहता है कोई मुझे, कोई नहीं, आप जाके देखिए कमेंट में भी नहीं कहता है लोग। हाँ एकदम बिल्कुल जाके देख सकते हैं, ये चीज़ है, गोदी मीडिया के साथ मैं नहीं खड़ा हूँ। नहीं नहीं, ये तो ये चीज़ हमें भी पता थी, ये गुस्सा आपने देखा ना, जितने लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भक्त हैं, ये गुस्सा जानबूझ के हमने बोला। देख लीजिए अब सबूत जब मिल गया। अच्छा अच्छा भैया, एक एक छोटा सा, अब तो वो सबूत मिल गया, अब एक चीज एक छोटा सा बात करना चाहेंगे, एक छोटा सा दो मिनट का संवाद, कि जितने लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, आपके पीछे पड़े हुए हैं, तब गाली पे गाली दे करके वायरल हो रहे हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मनीष कश्यप के बारे में आप अच्छा बोलिए आप कम वायरल होंगे, मनीष कश्यप के बारे में आप बुरा बोलिए आप रातों रात वायरल होंगे, क्योंकि विरोधी। तो आपको भी जानकारी नहीं है, मेरे साथ ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं जो बिहार में रेपुटेशन के साथ आज आगे बढ़े हैं, सैकड़ों पत्रकार, एक दो नहीं, दो चार दसे को पत्रकार है जो मुझे गाली दे के थोड़ा बहुत नेम फेम कमाए, थोड़ा बहुत नेम उसे नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत, लेकिन उनका जाके कमेंट आप जाके देख लीजिए, उनके कमेंट में केवल और केवल नकारात्मक। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको जो है गाली सुन के थोड़ा बहुत लाइमलाइट लेना है कि आपको साथ में बिहार को बदल के थोड़ा सा मतलब कि अच्छा छवि बनाना है। तो अच्छा, आप एक लास्ट सवाल, आपका एक इंटरव्यू देखे थे जिसमें कहा गया था कि बहुत विवादित इंटरव्यू उसको माना गया था, दो इंटरव्यू था, एक तो था भारत एक नई सोच पे, उस पर आपने कहा था कि हिंदू लड़के और हिंदू लड़की के बीच में प्रेम नहीं होना चाहिए, तो आप पहले इंटरव्यू हुआ पूरा देख लीजिए। नहीं उतना ही वायरल ही हुआ है, उतना ही वायरल, आप इंटरव्यू हुआ पूरा नहीं देखे, पूरा देख लीजिए, उसके बाद से सवाल पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वायरल उतना ही हुआ, मैंने कहा था कि कोई भी लड़की या लड़का को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने माँ बाप को नाराज करके किसी अय्यास आसी के साथ ब्याह कर ले। सुन लिया आपने, जितना आप सुनते हैं वो चीज़ वहाँ सामने नहीं आती है, उस वीडियो के अंदर से छोटा छोटा मनीष कश्यप के नाम पे फेम खाने के लिए छोटा छोटा फुटेज निकाला जाता है और उसको ही वायरल कर दिया जाता है। पूरा इंटरव्यू जब तक ना देख लें तब तक ये ऐसा ही गुस्साते रहेंगे। और एक और आपका भी इंटरव्यू अभी वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार आपसे जाति पूछते नजर आया था, मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें कहा जा रहा था कि कुमार अभिनव को आप इंटरव्यू देते हैं, आप ही के जाति के हैं, बमक गए थे मनीष कश्यप। अरे उन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे साथ इतने सारे लोग बैठे हैं। आप कौन से कास्ट हैं, हो आप कौन से कास्ट हैं, हो भट ब्राह्मण, आप कौन से कास्ट हैं, राजपूत। तो हम आपसे जाति पूछ के अभी बैठे हैं, बिल्कुल नहीं पूछे हैं जाति, बिल्कुल नहीं नहीं पूछे हैं, ना आप राजपूत हैं, ना वो राजपूत है, ना ये भट है। जिस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहारी बन जाएंगे, जिस दिन, उस दिन, खैर ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, इनको इनको छाट देंगे, इनको छाट देंगे, इनको नवाजा मिल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी जो है मैं जो व्हील चेयर वाला जो जगह था वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग आए थे, उनको मैंने इंटरव्यू दिया, मजबूर कर दिया गया इनको भी कास्ट पे बात करने के लिए, मजबूर कर दिया जाता है, जबकि वो सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना, नहीं अभी भी नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कास्ट को ख़त्म करके जो है ना बिहार पे लोगों को लेके आना चाहता हूँ। केरल के लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ केरल के लिए लड़ते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु के लिए, महाराष्ट्र के लोग मराठी अस्मिता के लिए लड़ते हैं, ठीक है, राजस्थान के लोग राजस्थान के लिए, पंजाब के लोग पंजाब के लिए, अब बिहार के लोग जात के लिए लड़ते हैं, इसीलिए बिहार और दिन प्रतिदिन पीछे जाते जा रहे हैं। फर्क इतना ही है बस, बाकी हम उन लोगों से कम टैलेंटेड नहीं हैं,
हम उन लोगों से कम काबिल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस की भी कमी नहीं है, रिसोर्सेस है लेकिन हमारा सारा रिसोर्सेस जो है जाति पे आके टिक जाता है। जिस दिन हम लोग उससे ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दिए उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी चलिए ये तो छोटा सा सवाल था, अब ये अपनी वाणी से मनीष भैया के बारे में गाना गाना चाहते हैं तो अब इनको सुनते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ बोले के चाहते हैं मनीष भैया के बारे में, और मनीष भैया सच में एगो नेक दिल इंसान बने यहाँ के, मने यहाँ के हम जब इंटरव्यू देखे नहीं तो हमारा बहुत मने खुशी होला, और हमारा छोट भाई विशाल के हम सोच बोल रहे कि अगर मनीष भैया कभी आएम तो तू हमरा के बताइए, ऐसे कि मनीष भैया विशाल के घर भी आए रहनी तो उस समय में हमारा टाइम ना रहे, मनीष भैया से हम ना मिल पानी, पास में घर बहला कि हमार विशाल के आई हमारे छोट भाई हमन। और रहल बात हम सबसे पहले हम गायकी ना कहनी, सबसे पहले हम हमारे शौक रहा इंडियन आर्मी के नौकरी करेंगे, इंडियन आर्मी के अलावा हम दूसरा चीज़ में कोनो में अप्लाई ना करनी। और हमारे छोट भाई 18 बरिस की उम्र में हमारे छोट भाई इंडियन आर्मी के दौड़ निकल रहा है, लेकिन मोदी जी ऐसा कहनी कि मोदी जी पता ना बहाली कैंसिल कर देने, क्योंकि बहाली के लिए इत हम नहीं जान सक बहाली कैंसिल बा। अब रूरा बताई मनीष भैया कि अढ़ाई साल वो नौकरी के लेबे खतरा लड़का सोच में पड़ रहा कि भाई अब हमार नौकरी वो लड़का सन पर का बीती। अब रउआ बताएं कि वो लड़का सन के बाबूजी काहे प्रधानमंत्री चुन दिल दिक्कत, वो तो बात सत्य बाबे मत चुनो गलत हाँ। मत चुनो बात गलत सही बात बा, गलत के गलत योजना जे ले आए, लेकिन का करो देश के लोग भी का करो, आगे कुआं पीछे खाई वाला स्थिति बटे, होने जाए तो वो दिक्कत है, न जाए तो वो दिक्कत, होने तनी कम डूबी है न तनी ज्यादा डूबी, डूबेगा तो दोनों ओर बात, लेकिन वही में जहाँ कम डूबा था लोग वहाँ लोग पहुँच जाता थे, सच्चाई ही बटे। लेकिन भैया खातिर दो शब्द कम हम भैया खतरा जैसे कि भैया के हम तू सिंगर हो एगो गाना गा के सबसे पहले हम संगीत भी क्लास के लिए बने, और संगीत से हमारा बड़ी प्रेम हो, बहुत ज़्यादा प्रेम हो, वो खा दू शब्द भैया खतरा कि जैसन सोचले रहनी ओसन भैया मोर बाड़ा, अरे कि जैसन सोचले रहनी ओसन भैया मोर बाड़ा, अरे बहुते बिजोड़ बाड़ा हो कि जैसन सोचले रहनी ओसन भैया मोर बाड़ा, अरे बहुते बिजोड़ बाड़ा हो, पूरे बिहारियन सन के खातिर तू एगो जड़ बाड़ा, अरे बहुते बिजोड़ बाड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद और भैया के आशीर्वाद हमरा पर हरदम बन रहे, और ज़्यादा कुछ ना हम भैया से एगो प्रेम करनी, और हम कोनो माइक ले बनी तो रिपोर्टर ना ही हम एगो कलाकार हैं, और नौकरी वोकरी के तैयारी छोड़ के अब हम अपन कलाकारी करनी। भैया ये बहुत अच्छे कलाकार हैं मेरे क्षेत्र के, मतलब हमको लगता है कि मेरे क्षेत्र के मेरे गांव के अगल बगल में जितना स्टेडियम होता है उस सब घर में जाके ये गाना गाते हैं, और अश्लील लेकिन नहीं गाते हैं, और कभी भी रिकॉर्डिंग वाला गाना नहीं गाते आज तक भैया, हम अश्लील नहीं गाते हैं इसलिए बिहार के लोग नहीं जानते हैं अश्लील गाए नहीं गा रहे, अश्लील गाइए भैया, सच्चाई है। सबसे बड़ा चीज बा कि भैया साफ सुथरा सुनो लोग ना गाना, अष्टयाम वगैरह गाते हैं और बढ़िया जो गाना है वो सब गाते हैं, रामायण वगैरह गाते हैं वहां पे जाकर। आज तक हमारा मुंह से कभी केहू अश्लील गाना ना सुन रहे, हालांकि हम नौजवान बने अश्लील गावे के चाहिए कि ना भैया, हम तो ये सपोर्ट ना करेनी अश्लीलता के ना कहियो करें, लेकिन सच्चाई बाकी अश्लील नहीं गाते हैं इसीलिए लोग नहीं जानते, लोग नहीं जानते। फिर सच्चाई सिंगर क्या करेंगे, मान के चलिए इनको हाईलाइट होना होगा तो फिर मजबूरी में तो ये तो गाना पड़ेगा ना। अब लोगों की मानसिकता बदलनी होगी ना, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, देखिए आप देखिए कोई भी एजुकेटेड ग्रुप में आप चले जाइए उनके घर पे जो है ना कभी भी शादी ब्याह में अश्लील गाना नहीं बजता है, तो लोग समझे इन सब चीज़ों लोगों को सुधरना होगा भैया है ना। चलिए भाई ऐसे ऐसे कलाकारों का भी समर्थन करिए आप लोग, तब ना अच्छे लोग समाज में आएंगे। बाकी ये हमारे साथ मनीष कश्यप थे, बिहार में सबसे चर्चित चेहरा और सबसे अच्छे पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, बाकी जितने लोगों को पैर खींचना है पैर खींचिए, उससे इनका पैर और मजबूत हो रहा है, और पैर खींचने वाले लोग नीचे ही रहेंगे, पैर जिनका खींचा जाता है वो और ऊपर जाते हैं। देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।